आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नानपुर पुलिस ने 4 अवैध देशी 12 बोर कट्टे माउजर के साथ 4 आरोपी किए गिरफ्तार। जिला अलीराजपुर के पुलिस कप्तान श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए अवैध शस्त्र पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर थाना नानपुर में दिनांक 20 जून 2022 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री एस आर सेंगर, SDOP जोबट श्री नीरज नामदेव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक भूपेंद्र खरतिया द्वारा अलग अलग टीम गठित की गई, जिसमें सहायक उप निरीक्षक नारायण लाल पाटीदार, सहायक उप निरीक्षक भेरू सिंह भिड़े, सहायक उप निरीक्षक राकेश मौर्य, आरक्षक गजेंद्र, आरक्षक विनोद, आरक्षक छन्नू, आरक्षक राकेश द्वारा चेकिंग के दौरान अलग अलग स्थान से आरोपी गण प्रदीप पिता कुंवर सिंह चौहान भिलाला उम्र 29 साल, निवासी ग्राम जवानिया पटेल फलिया, सोनू उर्फ संतोष पिता बीसन सिंह भिंडे भिलाला 21 साल, बामटा खापरी फलिया, युविराज पिता माल सिंह मंडलोई भिलाला उम्र 21 साल निवासी ग्राम जवानिया पटेल फलिया, रवि पिता इंदर सिंह डोडवे जाति भिलाला उम्र 30 साल निवासी ग्राम बड़ी हतवी बैड़ी फल्ला से कुल 3 देशी 12 बोर कट्टे, 1 माउस और 4 जिंदा कारतूस और इंदौर के खजराना थाना से चोरी के एक KTM मोटरसाइकिल कीमत 1,00,000 रुपए की जब्त कर आरोपी गणों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। नानपुर पुलिस के सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा नानपुर थाने के थाना प्रभारी उप निरीक्षक भूपेंद्र खरतिया, सहायक उप निरीक्षक नारायण लाल पाटीदार, सहायक उप निरीक्षक भेरू सिंह भिड़े, सहायक उप निरीक्षक राकेश मौर्य, सहायक उप निरीक्षक मंजीत सिंह, आरक्षक गजेंद्र, आरक्षक विनोद, आरक्षक छन्नू, आरक्षक राकेश, आरक्षक विशाल, साइबर सेल अलीराजपुर को उत्साहवर्धन हेतु पृथक से पुरस्कृत करने की घोषणा की। ब्यूरो चीफ वासुदेव वाणी की रिपोर्ट। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में अवैध शस्त्रों पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी कड़ी में थाना प्रभारी नानपुर को मेरे द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी संदिग्ध स्थानों पर चेकिंग लगाएं तथा अवैध हथियारों पर कार्रवाई करें, जिसके परिपालन में थाना प्रभारी नानपुर द्वारा अलग अलग स्थानों पर चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान प्रदीप चौहान, सोनू उपाख्य संतोष सिंह, युविराज मंडलोई और रवि डुडवे, इनके कब्जे से 3 देसी कट्टे, 1 माउजर और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। चारों आरोपियों पर पृथक पृथक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।